सोचिए कितने छोटे छोटे जीव हैं चींटी रूप में, उनको खाने तक कुछ नहीं मिलता, खड्डे में जीते हैं, खड्डे में मरते हैं, कोई संसार के कोई पता नहीं कहीं वन में फंसे हैं। कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, कब भक्ति मिलेगी, कब भक्तों का संग मिलेगा? और हमारा सौभाग्य देखो, मानो सुवर्ण थाली में प्रभु सजाकर सौभाग्य दिए हैं हमें। तिरुपति मंदिर में भक्त जब खड़े रहते हैं तो कभी कभी 4-5-6 घंटे लग जाते हैं दर्शन लगते लगते। फिर यदि कोई वरिष्ठ कोई आ जाए, पॉलिटिशियन आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो वीआईपी लाइन होता है उनका, उसको ब्रेक दर्शन बोलते हैं। मानो हम जैसे जन सामान्य खड़े रहते हैं तो उस लाइन को रोका जाता है और रोक कर इनको बीच से दर्शन दिया जाता है जो वीआईपी होते हैं। मानो मनुष्य शरीर वैसा है, सब जीव लाइन में खड़े हैं, कब वो दिन आएगा कि प्रभु का दर्शन मिले? सब छोटे छोटे जीव, और प्रभु क्या किए, उस लाइन को ब्रेक करके हमको बीच में से निकाल दिए, मनुष्य शरीर लेकर जाओ दर्शन कर लो। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, न जानते हुए बीच से प्रभु ने छोड़ दी, हम फिर भी पलट कर आकर ये नॉर्मल साधारण लाइन में खड़े हैं हम। मनुष्य शरीर तो मिल चुका, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया बीष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य होकर भी द्विपद पशु की तरह मैंने तो मेरा जीवन निर्वाह किया भक्ति रहित होकर।